किनारे तक बता दे किनारा। Soitaram Deborma bini tim Folk Music College Komolong boleh bising tu iseng rasa mong kenalannya ini आज इस प्रोग्राम के बाद मुझे मंदाई जाना है, मंदाई के बाद दुस्की जाना है, तो हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, टाइम भी कम है। आप लोग इतने देर से नीचे हैं, धूप के नीचे हैं। आज सिक्स शेड्यूल डे है, एडीसी डे है। एडीसी का मतलब क्या? कब बना ये एडीसी? क्यों है ये एडीसी? इतिहास में थोड़ा जाना पड़ेगा। जगदीश बाबू ने बोला, विजय रंखोल ने बोला, एडीसी आज से 36 साल पहले 1984, आज से 37 इयर्स अगो एडीसी का गठन हुआ, और वो एडीसी आसानी से नहीं आया। उसमें तिपरा शाह ने, जो हम लोग का सीनियर्स है, जो ओकरा है, उनका सैक्रिफाइस हुआ, उसने बलिदान दिया। यहां में अपना विजय रंखोल जी है, विजय रंखोल जेल गया एडीसी के लिए, रति मोहन जमतिया ने सैक्रिफाइस किया, श्यामाचरण त्रिपुरा ने किया, द्रा कुमार रियांग ने किया, और एक समय अगरतला में एक नारा था, बहुत बड़ा बड़ा नेशनल पार्टी का लीडर लोग बोलता था अगरतला में, रक्त दिबो एडीसी देवोना। ये 1982-83 में बड़ा बड़ा नेता लोग अगरतला में बोलता था, रक्त दिवो एडीसी देवोना। एडीसी मिला और हमने उनको जवाब दिया। आज यही कुछ नेशनल लीडर्स बोलता है, ग्रेटर तिपरा लैंड होबे ना, बुभाग्रा इस मंच से चैलेंज करता है कि एक दिन ग्रेटर तिपरा लैंड भी हो। तिपरा साहब को समझना चाहिए कि इतिहास में जाकर हमको क्या मिला,
आज संविधान के अंदर हमने डिमांड किया है अपना त्रिपुरा लैंड, ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का मूवमेंट, देश के खिलाफ नहीं मांगा है। छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, तेलंगाना, जब उनको राज्य मिला तो किसी ने बोला कम्युनल नहीं, सांप्रदाय किसी ने बोला नहीं, लेकिन जब त्रिपुरा सा ये डिमांड करता है तो बोलता है सांप्रदायिक है, कम्युनल है। हमने अपना अधिकार डिमांड किया है, वो अधिकार जो हमारा था हमसे छीना गया और 2023 में हम लोग अपना अधिकार वापस लेके रहेंगे। एडीसी डे, आज सब लोग बोलता है कि आपने राज्यों मांगे, आपने ग्रेटर त्रिपुरा लैंड डिमांड मत करो, हम आपको मोर पावर देगा। जगदीश बाबू ने बोला भी, हमारा चेयरमैन ने, अगर तला म्यूनिसिपल के पास ज्यादा रुपया जाता है, ख्वाई में ज्यादा रुपया जाता है और अपना एडीसी जो पूरा त्रिपुरा में 70% है, हमको अगर 10 रुपया भी चाहिए तो स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन मांगना पड़ता है। आज भिखारी बना के रखा है हमने, और ये लोग बोलते रहता है मोर पावर, हम लोग आपको रुपया देगा, 340 रुपया रहेगा, मिला किसी को नहीं मिला। यही लोग बोलेगा आपको स्मार्टफोन मिलेगा, कोई बोलेगा आपको चाकरी मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला है जब तक हम लोग अपना ठानसा होके अपना डिमांड एक संग नहीं करता है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। इसके लिए बुबाग्रा ने बोला और फर्स्ट एडीसी का काउंसिल में 37 साल से हम लोग का काउंसिल है, लेकिन त्रिपुरा मोथा पहला पॉलिटिकल पार्टी है जो पहला मीटिंग में काउंसिल में रेजोल्यूशन पास करके दिल्ली भेज रहा है ये काउंसिल का मेमोरेंडम को। और जो लोग विरोध करता है, जो लोग त्रिपुरा मोथा का विरोध करता है, वो त्रिपुरा मोथा का विरोध नहीं कर रहा है, उनको त्रिपुरा सा को अधिकार नहीं देना है उसके लिए विरोध कर रहा है। त्रिपुरा मोथा लाल बत्ती के लिए नहीं लड़ रहा है, त्रिपुरा मोथा ग्रेटर त्रिपुरा लैंड के लिए लड़ रहा है। ये ग्रेटर त्रिपुरा लैंड गुबा जाकर ग्रेटर त्रिपुरा लैंड नहीं है, ये आपका है, ये आपका अधिकार है, ये अधिकार महाराजा वीर विक्रम ने आपको छोड़ के दिया था। आज ये लोग ने हमारा अधिकार छीना है, इतिहास गवाह है। दिल्ली में जब हमने हमेशा डिमांड किया तो हमका हमारा थानसा को किसने तोड़ा है? बाजुबन रियांग टीयूजीएस का था, जब बाजुबन रियांग टीयूजीएस छोड़कर सीपीएम में गया तो त्रिपुरासा का फायदा हुआ नहीं, थानसा टूटा। जब आवर्त वर्मा गया छोड़ के तो त्रिपुरासा को कुछ फायदा हुआ नहीं, थानसा टूटा। जब दशरथ देव गणमुक्ति परिषद शुरू करके लास्ट में अपना पार्टी को सीपीएम के हाथ में सौंप दिया, वो सीपीएम जिसमें निपेन चक्रवर्ती, वो सीपीएम जिसमें त्रिपुरासा के लिए कुछ नहीं, त्रिपुरासा को कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। दशरथ देव को कुछ मिला? कुछ नहीं मिला, लेकिन नुकसान दोफा का हुआ क्योंकि थानसा को तोड़ दिया गया। लेकिन आज
हम लोग का बुरुई, हम लोग का सैकला नेक्स्ट जेनरेशन को समझना चाहिए कि हमारा जो सीनियर्स लोग है उनका बलिदान क्या है एबीसी के लिए। और आज हमको भी रेडी होना है वही बलिदान देने के लिए। यह बलिदान पॉलिटिक्स के लिए नहीं होगा, यह बलिदान अलायंस के लिए नहीं होगा, जोट के लिए नहीं होगा, यह बलिदान आपका भविष्य के लिए है। आपका भविष्य जिसमें हाँ भी आपका, नौकरी भी आपका, भविष्य भी आपका, स्कूल भी आपका, कॉलेज भी आपका, हॉस्पिटल भी आपका, आपका खुद का राज्य जो आपके हाथ में होगा। आज आप अगरतला जाके देख के आओ, नहीं लगता है कि वो त्रिपुरा है। महारानी ने उस दिन बोला, महारानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट में महारानी ने बोला, हम लोग त्रिपुरा शाह को एक सीट अगरतला में दे दो, एक सीट दे दो अगरतला में। वो महाराजा ऑफ त्रिपुरा का कैपिटल है, एक सीट दे दो हमारा चिन्ह के लिए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में बोला है, एक रिकॉर्ड है। आज से 30 साल पहले महारानी ने होम मिनिस्टर को बोला, एक सीट हमको अगरतला में दे दो, मिला नहीं। और आज बोलता है कि आप अलग क्यों होना चाहता, आपने हमको दिया क्या, आपका दिल इतना छोटा हो गया। त्रिपुरा के लोग ने, महाराजा ने, आप सब ने, सबको यहां में जगह दिया है। जब नोआखाली में दंगा हुआ, जब बांग्लादेश में, ईस्ट पाकिस्तान में दंगा हुआ, जब पाकिस्तान वहां में आया, हमने सबको यहां में अपने घर से, कहीं में भात दिया, कहीं में घर दिया, कहीं में रहने के लिए जगह दिया। हम लोग त्रिपुरा शाह ने दिया, महाराजा ने दिया। आज राजमाता त्रिपुरा, त्रिपुरा का महारानी वीर विक्रम का बहू पार्लियामेंट में विनती करता है, एक सीट दे दो, और आपका दिल इतना छोटा है कि आप हम लोग को इतना भी सम्मान नहीं कर सका हमारा त्रिपुरा शाह लोगों। इसके लिए आज महारानी विभु कुमारी देवी का बेटा अब एक सीट डिमांड नहीं कर रहा है, अब ग्रेटर त्रिपुरा लैंड डिमांड कर रहा है। सम्मान का बात होता है, सैक्रिफाइस किया है आपने, किया है आपने, किया है। और अब थंसा का टाइम आ चुका है। यहां में हम नहीं देखता है कि आप लोग सीपीएम है, आईपीएफटी है, कांग्रेस है, जनजाति मोर्चा है, त्रिपुरा मोर्चा है। जब बुबाग्रा ये मोटर स्टैंड से पहला बार बोला पुईला जाति उलो पार्टी, तो सब लोग ने बोला क्या है पुईला जाति उलो पार्टी। लेकिन आज सब लोग जानता है पुईला जाति उलो पार्टी का मतलब है थम्स अप। थम्स अप ये मंच में नहीं है, थंसा आपके बीच में होना चाहिए। और 2023 में आपका प्यार रहा, आपका आशीर्वाद रहा, आपका कोऑपरेशन रहा, तो हम लोग सिर्फ
एडीसी डे 23 अगस्त को नहीं बनाएगा, हम लोग ग्रेटर तिप्रा लैंड डे एक दिन यही खुमलुंग में बना के रहेगा। जो लोग बोलता था रक्त दिवो एडीसी डे बना, आज वही लोग बोलता है रक्त दिवो ग्रेटर तिप्रा लैंड डे बना। बुबाग्रा आपको बोल रहा है, आप अगर तला में जितना बोलना चाहता है बोलो, एडीसी टीटी एडीसी आपको अगर तला ने नहीं दिया, दिल्ली सरकार ने दिया था, महाराजा वीर विक्रम या कंचन प्रभा देवी ने त्रिपुरा अगरतला को नहीं दिया था, दिल्ली को दिया था, सरदार पटेल नेहरू को दिया था। आज ग्रेटर तिप्रा लैंड का जो बात है, जो डिमांड है, वो अगरतला नहीं देगा, वो दिल्ली को देना पड़ेगा। तो अगरतला में बात करके कुछ फायदा नहीं होगा। तो बुबाग्रह रेडी है, वन लास्ट फाइट, एक लास्ट टाइम हम लोग फाइट करने के लिए रेडी है। आप लोग रेडी है कि नहीं है? हाथ उठा के दिखाओ, जिसका हाथ उठाए उठा के रखो। आप लोग रेडी है? राजमाता भी रेडी है, रेडी है। अगर आप लोग रेडी है तो कोई भी पैसा फेंक दो, कोई भी लीडर आ जाओ दिल्ली से, कोई भी बंगाल से आ जाओ, वेस्ट बंगाल से, कोई भी लीडर आके हम लोग को तोड़ नहीं सकता, तिप्रा मोथा को तोड़ नहीं सकता। हम लोग रेडी है फाइट के लिए। बेलाइनो हम गाय, धन्यवाद।